Jesus, Allah, Allah. Shines off India. यहाँ पर बनाई गई ढेर सारी पेंटिंग्स मंदिर के इतिहास के बारे में काफी जानकारी देती हैं। तमाम कलाकारों ने इनके जरिए मंदिर में अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके सम्मान के लिए भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ा समय निकालना चाहिए। स्थल पुराण में कहा गया है कि द्वापर युग के अंत में गोपीलार और गोप्रालायार ने भगवान श्री कृष्ण के साथ साधना की। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई। नाराडार ने आकर 12 अक्षर वाले मंद्रा का उपदेश दिया। ये अक्षर द्वादश अक्षरम कहलाए। इन अक्षरों को गोपीलार और गोप्रालायार ने जब पढ़कर ध्यान किया तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि वो यहाँ वैकुंठम स्वरूप में आकर लोगों का कल्याण करें। गोपीलार और गोप्रालायार ने भगवान विष्णु के 32 स्वरूपों के दर्शन किए। पहला स्वरूप वैकुंठम के पारा वासुदेव का है। ये स्वरूप है श्री योगा राजा गोपाला स्वामी का, जो जानवर भी चराते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक बाल स्वरूप प्रतिमा है, जिसे श्री संथाना गोपालान स्वरूप कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाल संथाना गोपालान की प्रतिमा को हाथ में लेने के बाद मुकुंदास टंगम गाने के बाद अगर संथाना गोपाला हाथ में घूमते हुए झूलने लगे तो समझिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। मंदिर में पूजा करते हुए यहाँ सेतु बंधु रामेश्वरम और 108 दिव्य देशम की उपासना का पुण्य मिल जाता है। यहाँ पर भगवान गणेश थुमी बक्कई आइलवार के नाम से विराजमान हैं। इनका ललाट वैष्णव का प्रतीक है। आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ी देवी दुर्गा भी यहाँ भक्तों का कल्याण कर रही हैं। प्रतिमा के नीचे बिल्कुल हल्दी की तरह से पीले रंग का धागा है। नींबू से गूंथी हुई एक माला देवी के गले में सुशोभित हो रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ दुर्गा का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद और दया दृष्टि हासिल करते हैं। देव प्रतिमाओं के कई स्वरूपों की यहाँ पूजा की जाती है। इस तरह से इस मंदिर को कई सारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पर कई प्रतिमाएं धातु से बनी हैं। इन पवित्र धातु की प्रतिमाओं को ऊर्जा वर्ष कहते हैं। भगवान विष्णु का एक और स्वरूप है गजेंद्र वाराथा। यहाँ पर विष्णु के इस स्वरूप की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर अंडाल के लिए भी एक पवित्र स्थान है। तमिलनाडु में वैष्णवम धारणा में अंडाल का विशेष महत्व है। इन्हें एक देवी और कवित्री के रूप में पूजा जाता है। यहीं पर हैं तमिलनाडु के वैष्णव सलाहकारों में एक श्री मानावाला मामुनिकल। अब हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के
49 स्वरूपों के दर्शन करेंगे। भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित यह आकृति जिसमें करोड़ों सूर्य का प्रकाश समाया हुआ है, श्री सुदर्शन चक्र कहलाता है। हिंदू मान्यताओं में भक्त को भगवान से ऊंचा दर्जा हासिल है। यही कारण है कि यहाँ मंदिर परिसर में उन महान भक्तों के चित्र भी बनाए गए हैं जिन्होंने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। Shines up in the eye.